हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एलपीपी की जो अपनी सीरीज चल रही थी, पहले अपन ने क्या गया था कि जब एलपीपी के सभी प्रतिबंधों के चिन्ह लेस देन इक्वल टू हो तो किस प्रकार हल होता है, वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम जब प्रतिबंधों के सभी चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम इनके इस एलपीपी को हल करने की कोशिश करेंगे। और इस मेथड को क्या लेंगे, कौन सी विधि से अपनाएंगे, सिंप्लेक्स मेथड के अंदर बिगम मेथड यानी बिग एम विधि होगी उसको अपनाएंगे। तो ये देखो ये किस प्रकार होगी, इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसका एक बार जब इसमें आधिक्य पूरक चर या न्यूनता पूरक चर जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे अपने को प्रारंभिक आधार नहीं मिलता तो हम आगे क्या करते हैं, तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो किस प्रकार अपने को एक समस्या दी हुई है कि मिनिमम में दे रखी है, निम्नतम में दे रखी है, यानी कि अपने को पता है कि सिंप्लेक्स जो मेथड है वो एल केवल और केवल अधिकतमीकरण की समस्या यानी कि मैक्सिमम की समस्या पे लागू होता है, जबकि ये न्यूनतम मिनिमम की समस्या है। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, फिर इसके प्रतिबंध दिए हुए हैं उनको अपन साधारण समीकरणों में बदल के आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं। देखो किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले दी समस्या न्यूनतमीकरण की है, अतः इसे अधिकतमीकरण में बदलने पर, अब जब अधिकतमीकरण में बदलेंगे तो देखो ये मिनिमम है तो हम में पता है कि अधिकतम होता है वो न्यूनतम का जस्ट उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, दी गई समस्या का जो उद्देश्य फलन है उसको माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करते ही जो मिनिमम की समस्या होगी वो मैक्सिमम में बदल जाएगी। तो हम इसमें लेते हैं तो बदलने पर उद्देश्य फलन जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा वो क्या हो जाता है, तो देखो यहां से उद्देश्य फलन इस प्रकार चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम जेड डैश क्या होगा, जो अपने को जेड दिया हुआ है वो नेगेटिव हो गया, वो माइनस में आ गया, तो माइनस में उद्देश्य फलन हुआ तो क्या हो गया, माइनस का एक्स वन माइनस का एक्स टू, तो ये अपना उद्देश्य फलन बन गया। अब अपने को देखो दोनों प्रतिबंध दिए हुए हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू चिन्ह वाले है, इसका मतलब इनमें कुछ चीज घटाई जाएगी यानी कि आधिक्य पूरक यानी कि जो सरप्लस वेरिएबल होंगे वो हम इसमें से घटाएंगे। तो यहां पर फिर लिखेंगे तथा प्रतिबंध असमीकाओं में, अब ये वैल्यू अपने एलएचएस की वैल्यू इनसे ज्यादा है तो कुछ अवयव घटाए जाएंगे जो अपने सरप्लस वेरिएबल कहलाते हैं या आधिक्य पूरक चर होते हैं, तो असमीकाओं में क्रमशः एक्स थ्री व एक्स फोर आधिक्य पूरक चर घटाने पर साधारण समीकरण में बदल जाती है, जो अपने को ऐसी समीकरण दी है वो किस में हो जाएगी, जो सिंपली ऑर्डिनरी इक्वेशन होगी यानी कि साधारण समीकरण होगी उनमें बदल जाएगी। तो देखो किस प्रकार बदल जाएगी, अपने पास तो प्रतिबंध दे रखे हैं टू एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री पहले में से घटाएंगे तो अपने पास हो गया एलएचएस में ये चीज होगी, और फिर एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू माइनस एक्स फोर इक्वल टू सेवन, तो इस प्रकार अपने पास ये दो इक्वेशन हो गई। तो यहां से देखो अपन प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स बनाते हैं, इसकी प्रतिबंध निकाय गुणांक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए से डिनोट करते हैं तो गुणांक मैट्रिक्स किस प्रकार की होगी, देखो टू वन
माइनस वन जीरो, ये क्या हो जाएगा वन सेवन जीरो माइनस वन। तो इस प्रकार हो गई अपने पास। तो हम इसको किस प्रकार मान सकते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री और अल्फा फोर, जो अपने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि इनको अपन मान लेते हैं, क्योंकि ये पहली रो हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये अपने पास कॉलम होते हैं, इनको अपन सदिश वेक्टर का रूप दे देते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। तो यहां से देखो अपने को यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिल रही। कई जने ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी को यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होने चाहिए, ना कि माइनस वन होने चाहिए। ये कई बार कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट सवाल गलत कर बैठता है। तो यहां से देखो अपन लिखेंगे, क्योंकि गुणांक मैट्रिक्स से स्पष्ट है कि प्रारंभिक आधार के लिए E1 व E2 विद्यमान नहीं है, यानी ये अपने पास नहीं है, तो इनकी अब पूर्ति करते हैं। तो E1 व E2 की पूर्ति के लिए जो अपने पास प्रतिबंध है, पूर्ति के लिए क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण में क्रमशः x3 4 तक आए हैं, x5 व x6 दो कृत्रिम चर जोड़ते हैं तथा इनका मूल्य उद्देश्य फलन में माइनस एम रखते हैं। जहां एम बहुत बड़ी राशि है, यानी कि हम क्या करेंगे, जब अपने पास हमने जो अपने पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसका अवलोकन किया तो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुई। यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, क्यों हम लिखेंगे कि गुणांक मैट्रिक्स से स्पष्ट हो गया कि भाई अपन ने इसको देखा, इससे स्पष्ट हुआ कि इसका जो प्रारंभिक इनिशियल जो बेस होगा, यदि प्रारंभिक आधार होगा, उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड सदिश नहीं मिली, वेक्टर नहीं मिली, यानी कि 1 0 0 1 नहीं मिला। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फिर इनकी पूर्ति के लिए इनमें दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स कृत्रिम चर जोड़ते हैं। तो कृत्रिम चर जोड़ेंगे जब इनका, उन कृत्रिम चरों का मूल्य उद्देश्य फलन में क्या रखा जाएगा, माइनस का एम, और एम क्या होगा, जो अपनी पूरी जो प्रॉब्लम होगी उसमें जो भी वेरिएबल आया है, जो भी राशि आई है, उसमें सबसे बड़ी राशि होगी। तो ये किस प्रकार होगी, तो ये अपने पास राशि होगी उसमें सबसे बड़ी संख्या ये एम होगी, तो यानी कि नेगेटिव करोगे तो सबसे बड़ी संख्या नेगेटिव में आ जाएगी ये। तो अब इसको किस प्रकार आगे सोल्व करते हैं, तो अब परिवर्तित, अब परिवर्तित LPP निम्न है, किस प्रकार हमने समस्या को क्या कर रखा है, मैक्सिमम कर रखा है, z-1 -x1 -x2 0.x3 0.x4 -m x5 -m x6। तो अपने पास इस प्रकार से हो गई, मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूं वापस एकदम क्लियरली, समस्या है मैक्सिमम z-z होगी -x1 -x2 0x3 0x4 -m x5 -m x6। तो यानी कि कहना का, देखो अपने पास आधिक्य पूरक चरते हैं, उनका उद्देश्य फलन में मूल्य शून्य लगते हैं, अपने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी इसकी,
लेकिन यहाँ पे बिग एम में दिए हैं तो उसमें अपन ने आर्टिफिशियल वेरिएबल दो ऐड किए तो उनका मूल्य माइनस एम लिखते हैं। इन दो एम की वजह से ही इस मेथड को क्या कहते हैं, बिग एम मेथड, यानी कि सबसे बड़ी संख्या मेथड में होगी। फिर अपने पास प्रतिबंध क्या होंगे, प्रतिबंध होंगे वो अपने सकल चेंज होगी, तो यहाँ हो जाएगा 2x1 प्लस x2 माइनस x3 और फिर प्लस x5 इक्वल टू 4। दूसरा प्रतिबंध हो जाएगा अपने पास x1 प्लस 7x2 माइनस x4 प्लस x6 इक्वल टू 7 एंड x1 x2 x3 x4 x5 और x6 ये क्या हो गए, ऋणेतर प्रतिबंध यानी नॉन नेगेटिव। हमने बात पहले ही की थी, पहले जब बेसिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन तब हमने कहा था इसमें जो भी चर होंगे इस समस्या के अंदर वो उनका मान जीरो या जीरो से बड़ा होगा, यानी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। अब हम इसकी प्रतिबंध निकाय मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैं प्रतिबंध निकाय गुणांक मैट्रिक्स किस प्रकार होगी, 2 1 -1 0 1 0, यहां क्या हो जाएगा 1 7 0 -1 0 1। तो यहां से देखो अपन इसको क्या ले सकते हैं, α1 α2 α3 तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए अपने पास देखो यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है यहां पे, तो मैं लिख दूंगा I2 इक्वल टू α5 α6 आता है प्रारंभिक आधार क्या हो जाएगा बी इक्वल टू α5 α6, यानी कि अपने पास प्रारंभिक आधार आ गया इसका। तो अब सिंप्लेक्स सारणी, तो अब हम इसकी सिंप्लेक्स सारणी बनाते हैं जो निम्न प्रकार रहेगी, जो निम्न प्रकार है, किस प्रकार रहेगी सिंप्लेक्स सारणी, तो अपन सिंप्लेक्स सारणी की तुलना कर, यह देखो अपने पास प्रतिबंध, इससे मैंने अपने निकाय मैट्रिक्स बनाई, गुणांक मैट्रिक्स बनाई, जिससे अपने पास यह आ गया, इससे अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है जो अपना प्रारंभिक आधार हो गया। तो इसके लिए अब मैंने बात की थी, जब अपन सिंप्लेक्स सारणी बनाते हैं तो उसके लिए एक संरचना होती है जो सब प्रश्नों में प्रत्येक जो समस्या होती है उनके लिए समान होती है, तो उसको अपने को याद भी रखना होता है। देखो किस प्रकार बनाते हैं, एक दो बार बनाओगे याद हो जाएगी। ये अपनी फर्स्ट सारणी होती है जिसमें यहाँ पे बेस, बेस में कौन है α5 और α6, इसके अकॉर्डिंग टू x, तो यह हो जाएंगे x5 x6। यहाँ पे अपना उद्देश्य फलन होता है cj, वो क्या हो जाएगा उद्देश्य फलन यहाँ पे समस्या के अंदर -1 -1 फिर 0 0 -m और -m। हम इसको वेक्टर में देते हैं y1 y2 y3 y4 y5 और y6। ये कॉलम होता है, ये अपना मिनिमम रेशियो का होता है,
ये वाला मिनिमम रेशियो क्या होता है, यहाँ पे जो अपनी बी मैट्रिक्स होती है वो इकाई, तो वो आ जाती है अपनी 4 और 7। जब पहली अपनी सारणी होती है तो मैंने बात की थी कि यहाँ पे अपनी जो गुणांक मैट्रिक्स आती है, जो गुणांक मैट्रिक्स रहती है प्रतिबंध निकाय गुणांक मैट्रिक्स, उसको एज इट इज उतारा जाता है। तो अपने पास देखो यहाँ से क्या हो जाता है, 2 1 1 7 -1 0 0 -1 1 0 0 1। फिर हम जेड जे माइनस सी जे लिखते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा। देखो तो मैंने पहले ही बात की यहाँ पे अपने पास क्या होता है, इसका उद्देश्य फलन जो बेस के अनुसार होगा, तो यहाँ पे अल्फा 4 और अल्फा 5 5 और 6 का क्या है, माइनस एम और माइनस। अब हमने पिछले वाले वीडियो में ये चर्चा की थी कि जेड जे क्या होता है, जेड जे होता है सी बी और प्रत्येक जो सदिश है उसके अवयवों का गुणनफल का योग, उसमें से अपना उद्देश्य फलन का जो मान होता है वो घटा दिया जाता है। तो पहले जेड जे माइनस सी जे का देखेंगे, तो यहां से देखो माइनस के 2m और माइनस का m, तो यह हो गया माइनस का 3m और माइनस माइनस प्लस 1, यह नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 8m प्लस 1, नेक्स्ट हो गया m, बहुत बड़ी संख्या है। फिर नेक्स्ट होगा ये भी m हो जाएगा, ये 0 और ये 0, जो अपन ने प्रीवियस पहले वाले वीडियो में बात की थी वही कैलकुलेशन रहेगी सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो अपनी ये शर्त क्या होती है, इसका आंसर आने की होती है कि जो जेड जे माइनस सी जे है वो सभी 0 आए या 0 से बड़ी संख्या आए। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या नहीं आ रही, नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए हम लिखेंगे एवरी जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इनमें एक एंट्रिंग वेक्टर होगा और एक डिपार्टिंग होगा। तो एंट्रिंग कौन होगा, एंट्रिंग होता है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो अपने को ये दिख रहा है एंट्रिंग वेक्टर, तो मैं लिख देता हूं एंट्रिंग वेक्टर कौन हुआ, वाई टू। तो इसके लिए डिपार्टिंग भी होगा फिर अपने पास, डिपार्टिंग कौन होगा, तो डिपार्टिंग का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं। मिनिमम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बी होगा उसमें भाग लगाएंगे, 4 7/7 यानी कि 1। तो मिनिमम कौन है इसमें से, 1, तो 1 है। तो अपने पास जब ये दोनों तीर जहां मिलेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, की एलिमेंट, मुख्य अवयव जो अपने नेक्स्ट सारणी के लिए की का काम करता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस देखो कौन सा आ गया, अल्फा 6, यानी अल्फा 6 है, इसका मतलब वाई 6, तो डिपार्टिंग कौन हुआ, वाई 6 हो गया। तो इसलिए मैं लिखता हूं कि न्यू बीएफएस अपने पास क्या हो गया, न्यू बीएफएस अल्फा 5 को कुछ नहीं हुआ, वो अपनी जगह रहेगा, लेकिन अल्फा 6 बाहर निकल गया, उसकी जगह आ गया अल्फा 2। यह अपनी फर्स्ट सारणी कंप्लीट हुई। अब इसी सारणी को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो मैं इस सारणी को ऊपर से साफ करके यहां लग बढ़ा देता हूं। सारणी देखो यही बनेगी, जब नया पेज आता है तो फिर अपने को वापस बनाना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। कई स्टूडेंट होते हैं वो बनाते नहीं है, तो फिर उससे एग्जामिनर क्या होता है वो चेक नहीं करता ढंग से फिर उसको। ये अपनी सेकंड सारणी होगी, यहाँ पे क्या होगा सी बी बी एक्स बी, सी बी क्या हो गया, नया बी एफ एस क्या आया, अल्फा 5 अल्फा 2, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एक्स 5 एक्स 2 ये आ गया माइनस एम और अल्फा 2 का माइनस 1।
बाकी देखो अपनी चीजें सेम रहती है यहाँ पे सीजे, ये क्या -1 -1 0 0 -m और -m y1 y2 y3 y4 y5 और y6। लेकिन यहाँ बिग एम विथ में क्या है, एक बात सबसे बड़ी बात होती है जो ध्यान रखने की होती है, वो ये बात होती है कि जो डिपार्टिंग हो गया उसकी गणना हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब y6 मेरे पास बाहर हुआ तो y6 की अपन गणना नहीं करेंगे। फिर की एलिमेंट है तो जब अपन ने पिछली वाली मेथड के अंदर पिछली वाली समस्या में अपन ने बात की थी कि भाई सब में भाग लगा दिया जाता है की एलिमेंट का, तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, सबका भाग लगा दो। जी अब जब की एलिमेंट था तो इसके समूह क्या होगा यहां पे 0, तो ये 0 कब आ रहा है, जब 1 को 1 से गुणा करके यहाँ आने वाले अवयव 1 में से घटा दिया तो ये अपने पास, यानी कि पूरी इसकी एलिमेंट वाली जो रो है उसको 1 से गुणा करना होगा और आने वाले अवयव में से घटाएंगे, तो 1 से 1 को गुणा किया, 1 4 में से घटाया तो 3, इसको घटाया तो यहां से कितना हो गया 13/7, भाई 1 से गुणा किया 1/7, 2 में से घटाया इसको तो 13/7। फिर नेक्स्ट 1 0 है, 0 को गुणा करेंगे तो -1 ही आता है, इसको 1 से गुणा करेंगे यहाँ पे करेंगे तो 1/7, 0 से गुणा करेंगे तो 1, तो यहाँ अपने पास ये आ गया, यहाँ पे ये कॉलम मिनिमम रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम इसकी जेड जे और माइनस सी जे की गणना करेंगे, तो जेड जे माइनस सीजे तो गणना करेंगे तो देखो इस बार ये गुणा हो जाएगी तो माइनस का 13/7 एम माइनस 1/7 और प्लस का 1, तो प्लस का 1 होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं 6/7। अगला क्या होगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस, तो ये आ गया अपने पास 0, ये हो जाएगा प्लस का एम, नेक्स्ट माइनस का एम अपॉन 7 माइनस माइनस प्लस 1/7, नेक्स्ट ये हो जाएगा 0, तो अपने पास देखो 2 नेगेटिव आ गए, 1 और 2, तो 2 नेगेटिव आ गए। मैं नीचे वाली एक्सरसाइज तो यहां से देखो 2 नेगेटिव आ गए और ज्यादा नेगेटिव हमने बात की तो माइनस के 13 बड़ी होगी नेगेटिव में, तो यानी कि ये एंट्रिंग होगी अपनी, तो मैं यहां लिखता हूं चूंकि प्रत्येक जेड जे माइनस सी जे नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एंट्रिंग होगी, एंट्रिंग को जो नेगेटिव होता है वो एंट्रिंग होता है, तो इसलिए एंट्रिंग वेक्टर, एंट्रिंग वेक्टर कौन हुआ y1, तो y1 के एलिमेंट है उनका भाग लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3/13/7 यानी कि 21/30, ये कितना हो जाएगा 1/, तो मिनिमम कौन हुआ 21/13, तो यहां से देखो दोनों जहां एरो मिलेंगे वो अपना की एलिमेंट हो गया, तो की एलिमेंट के कॉरेस्पोंडेंस देखो कौन है α5 यानी डिपार्टिंग कौन हुआ y5, तो इसलिए मैं लिख देता हूं न्यू bfs। अब देखो α2 अपनी जगह था, आया कौन है α1 और वो किसकी जगह आया α5 की जगह, इसी के साथ सारणी चलाएंगे जब अपने पास जगह हो, पेज में जगह बची हुई हो। तो यहां से अपने पास α1
अल्फा टू, यहाँ इनकी वैल्यू कितनी है, माइनस का वन एक्स टू। तो यहाँ पे देखो इसका भाग लगाया जाएगा। अब देखो डिपार्टिंग कौन हुआ, वाई फाइव हुआ, तो यानी कि वाई फाइव की भी अपन गणना नहीं करेंगे इस बार, माइनस सी जे। तो यहां पे देखो वाई फाइव की गणना नहीं करेंगे, तो अपने पास की एलिमेंट है उसका भाग लगाएंगे पूरी रो में, तो ये आ जाएगा 21/13, ये आ गया 1 0, माइनस का 7/13, और ये आ जाएगा अपने पास 7 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1/13। फिर बात आती है कि इसके सम्मुख होगा वो 0 होना चाहिए, तो ये जीरो, ये जीरो कब हो रहा है, जब प्रत्येक अवयव को अपन 1/7 से गुणा करके, तो 1/7 से इसको गुणा करते हैं, तो 1 - 21/13 1/7, तो ये 3, तो अपने पास आ गया 10/13। जीरो से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, यहाँ 0 आया हुआ है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 1/, कैसे आया, माइनस का 7/13 (1/7), और घटाया किसमें से जाएगा, जीरो में से, तो अपने पास क्या आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/7 माइनस 1/13 (1/7) क्या हो जाएगा, यहां से देखो माइनस 1/7 माइनस 1/13 (7), तो 13 - 15 यानी कि माइनस का 2/13। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, ये देखो माइनस का m, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा तो 0, ये भी 0, ये आ जाएगा प्लस का 7/13 या माइनस का, तो 6/13, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/13। तो यानी कि देखो सब अपने पास, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अपने को ये उपरोक्त सारणी कौन सी थी, तीसरी, थर्ड सारणी थी, थर्ड सारणी में अपने को इसका आंसर प्राप्त हुआ जो सुसंगत हल है। अब वो आंसर हम लिखेंगे, तो उपरोक्त सारणी थर्ड में सुसंगत आधारित हल प्राप्त होता है जो निम्न है, क्या है, तो एक्स वन का देखो अपने को कितना प्राप्त हुआ, 20/13, एक्स टू का कितना प्राप्त हुआ, 10/13, एक्स थ्री का 0, एक्स फोर का 0, दो आर्टिफिशियल अवयव भी जोड़े थे अपन ने, एक्स फाइव का 0 और एक्स सिक्स का 0, क्योंकि 0 से ज्यादा छोटा नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अब क्या हो जाएगी समस्या, अतः एलपीपी परिवर्तित, जो परिवर्तित थी अपने पास, परिवर्तित एलपीपी का हल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड डैस -21/13 -10/13, तो ये हो गया माइनस का 31/13, लेकिन अपने को दी हुई थी मिनिमम में, अतः दी एलपीपी का इष्टतम हल जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो कितना हो गया, तो वो हो जाएगा मिनिमम जेड, ये क्या था, माइनस था, तो ये आ जाएगा माइनस 31/13 यानी कि
31 अपॉन 13 ये अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इस प्रकार अपने दी गई एलपीपी का सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। तो अपने पास देखो मेथड आया, उसके अनुसार ये किया और बिगम मेथड का अपन यूज किया, जहाँ पे एम डिपार्टिंग हो जाता है वहाँ पे हम उस सदिश की गणना नहीं करते, ये ध्यान रखना होता है, ये कई बार प्रश्नों में गलत हो जाता है तो उसका हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।